हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय रसीली रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए, आज मैं आपके पास एक नई रेसिपी के साथ हूँ। इसे कहते हैं रोटी के टेस्टी टेस्टी पोहे बनाते हैं आज हम लोग। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने रोटी लिया, इसको थोड़ा सा गैस पे मैंने गरम कर लिया जिससे ये टूटने में अच्छी रहेंगी। ये रात की बची हुई रोटियां हैं जो जिसे मैं नहीं फेंकना चाहती क्योंकि ये ज़्यादा थी। अब मैं इसे गर्म करने के बाद थोड़ा सा ऐसे हाथ से मोड़ तोड़ के इसका चूरा बना लूँगी। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से अपनी सारी रोटियों को तोड़ के उसका चूरा चूरा बना लिया है। अब मैं आगे एक प्याज, आलू, टमाटर और हरी मिर्च लूँगी। अब मैं इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सबको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने उसे गैस ऑन कर ली है कढ़ाई में, और अब मैं उसे थोड़ी देर गर्म होने दूंगी। रात की बची हुई रोटियां बहुत अच्छी होती हैं, ये हमें एनर्जी भी देती हैं, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती हैं, ये हमारे पाचन को कंट्रोल रखती हैं। इस पे मैंने ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर ऑयल गर्म होने के बाद मैं प्याज और हरी मिर्च को जो मैंने काटा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने सारे प्याज को इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए, अब हम लोग इस प्याज को हल्का हल्का भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, आप प्याज को छोटा बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो वैसे काट सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। आप हरी मिर्च ही डालती हो तो सिर्फ सारी हरी मिर्च ही डाल सकती हैं, अगर आप रेड चिल्ली यूज़ करती हैं तो आप इसमें रेड चिल्ली भी यूज़ कर सकती हैं, इसलिए आप हरी मिर्च को कम कर सकते हैं। चलिए, इसमें नमक ऐड करते हैं जिससे हमारी प्याज जल्दी भुन जाएंगी। नमक ऐड करने से हमारा प्याज बहुत जल्दी भुनता है। चलिए, हम इसे चला लेते हैं। जो बची हुई रोटी होती है उसे अगर दूध के साथ खाया जाए तो ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और ये हेल्दी भी बहुत होता है, इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। चलिए, इस प्रकार से मैं इन्हें अच्छे से मिला लूँगी और थोड़ी देर भुनने दूँगी। ये देखिए, हमारी प्याज भुन चुकी हैं कुछ देर बाद मैंने इन्हें देखा तो। अब मैं इसमें अपने आलू ऐड कर लूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बासी रोटी का क्या, अगर बच गई तो हम लोग या तो उन्हें खाएंगे नहीं या फिर उन्हें किसी पैट को डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप इनसे पोहे बनाएंगे ये वाले तो ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ना इसमें ज़्यादा तामझाम होता है। वैसे भी आपने देखा है कि मैं जितनी भी रेसिपीज़ डालती हूँ नॉर्मल घर की रेसिपी होती है मेरी, मैं ऐसी कोई रेसिपी नहीं डालती जिसमें बहुत सारे मसाले हों या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हो। जो घर में अवेलेबल ना हो तो हम लोग कभी ट्राई नहीं कर सकते। मैं सिंपल जो घर में मैं खुद बनाती हूँ अपने लिए, वही चीज़ें मैं आपके लिए लेके आती हूँ, क्योंकि मैं जैसा सोचती हूँ कि मुझे भी ऐसी चाहिए तो मैं वैसी आपके लिए लेके आती हूँ। चलिए, मैंने अब इसमें टमाटर ऐड कर लिया है, नमक ऐड कर लिया है जैसा आपको पसंद हो, हल्दी ऐड कर ली है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है इसलिए मैंने लाल मिर्च कम ऐड की है। आप लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो, और अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आप इसमें गरम मसाला ऐड करें, आप इसके अंदर चाट मसाला ऐड करें, आप इसके अंदर मैगी मसाला ऐड करें, देखना बहुत अच्छा लगेगा ये पोहा आपको खाने में। लगेगा ही नहीं कि ये रोटी से बना हुआ है और वो भी बासी रोटी से बना हुआ है, क्योंकि इतना टेस्टी लगता है ये खाने में कि आपके बच्चे मांग मांग कर खाएंगे सच में। चलिए, अब हमारा मसाला भूनने लगा है, अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। आप इस स्टेज पे चाट मसाला, मैगी मसाला, पाव भाजी मसाला या जो भी आपको पसंद हो या ना पसंद हो तो ना कीजिए, ये सब ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ढक के पका लिया है। ये देखिए, मेरे प्याज, टमाटर और आलू अच्छे से पक चुके। इस स्टेज पे मैं अपना चूरा की हुई रोटी या जो भी पोहे के स्टाइल में टूटी हुई रोटियां हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, मैं अब इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही मिक्स करती रहूंगी और मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दूंगी, जिससे हमारी रोटी अच्छे से गर्म हो जाए, सारे मसाले उसमें मिक्स हो जाएं। आपकी अगर पोहे थोड़े सूखे सूखे से आपको लगते हैं तो आप इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, मुझे ड्राई ड्राई ही पोहे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए हमारे पोहे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब मैंने सर्व कर लूँगी, एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब देखिए लग रहे ना बिल्कुल लाजवाब पोहे, कौन कहेगा कि ये बची हुई रोटियों से बने हैं। देखना आपके बच्चे से बहुत मज़े से खाएंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।